Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know that up to this time long answer 1, 2, 3, 4 completed by us. आपको पता है long answer के 1, question number 1, 2, 3, 4 हमने complete कर लिए और long answer 5 की बात कर रहे हैं हम. पहले अपनी बुक में देखना long answer 5 लिखा हुआ है. What is the proper method of disposal of plastics? This is our question. उसका आंसर सामने बोर्ड पर देखिए. Methods of disposal of plastics are. First number point है अपने पास segregation of biodegradable and non-biodegradable waste. ध्यान से सुनना. सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट करना. जो भी आपका वेस्ट आ रहा है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग इकट्ठा करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग इकट्ठा करें. बायोडिग्रेडेबल मतलब दैट कैन बी डीकंपोज्ड बाय नेचुरल वे और नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस दैट डू नॉट डीकंपोज इजीली बाय द नेचुरल वे. सेकंड पॉइंट देखना डिस्पोजिंग ऑफ प्लास्टिक इन प्रॉपर प्लेस. जब भी प्लास्टिक का डिस्पोजल किया जाए तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. हर जगह पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऐसा कुछ भी हो सकता है. थर्ड पॉइंट देखना रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स यूज्ड विद रिसाइकल्ड पेपर बैग, जूट बैग, कॉटन बैग, मेटेलिक कंटेनर एटसेट्रा. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक का जो यूज है ना उसको हम कम से कम करें, उसकी जगह पर हम दूसरी चीजें यूज करें जैसे रिसाइकल्ड पेपर बैग, जूट बैग, कॉटन बैग, मेटेलिक कंटेनर, उनको हम काम में ले सकते हैं. मतलब प्लास्टिक का यूज हमें रिड्यूस करना है, कम से कम करना है. फोर्थ पॉइंट देखना रिसाइकलिंग और रीयूजिंग ऑफ प्लास्टिक. जो भी आपका प्लास्टिक मटेरियल है उसको फेंके नहीं, उसको डिकम्पोज करने की, डिस्पोज करने की कोशिश नहीं करें. उसके बदले हम उसके जो लेने वाले कबाड़ीज लोग जो होते हैं वो रिसाइकलिंग के लिए या रीयूजिंग के लिए ले जाते हैं, तो उसका दोबारा रीयूज हो जाता है और कहीं वेस्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है या खत्म हो जाती है. फिफ्थ पॉइंट देखना लास्ट होगा इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक. जब प्लास्टिक को आप हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो उससे बहुत सारी जो पोल्यूटिंग गैसेस है उनका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ जो वेस्ट होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. इस तरह से ये अपने पास में कुछ मेथड्स हैं. दीज आर द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक. ओके, इन दिस मैनर दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस लेसन. और After this, we are going to start our next chapter, that is the metals and non-metals. Please look now, we are just starting the chapter 4, that is metals and non-metals. Yes, please look here, our chapter number 4, that is the metals and non-metals. Please look, what is the name indicate? सबसे पहले हम इसके learning objective किस बात करते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे. फर्स्ट नंबर होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and non-metals.
दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट ऑन विच वी डिस्कस। नेक्स्ट नंबर होगा फिजिकल। इसमें कुछ नेम आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, उसमें नंबर फर्स्ट होगा दैट इज द फिजिकल स्टेट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं हम, फिजिकल स्टेट दैट यू नो वेरी वेल, सॉलिड लिक्विड और गैस, दिस इज व्हाट इज फिजिकल स्टेट। सेकंड नंबर होगा इसमें आपके पास लक्षण, लश्यर मीन्स होगा शाइनिंग, तो इसमें तो आप ध्यान रखना इसका मीन्स होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं, और लश्यर का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होगा इसमें आपके पास दैट इज हार्डनेस, दैट यू नो वेरी वेरी वेल, और उसके अगला पॉइंट होगा आपके पास सोनोरिटी, और फिफ्थ पॉइंट होगा आपके पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी नेक्स्ट नंबर, डक्टिलिटी, सिक्स्थ पॉइंट दैट इज डक्टिलिटी, और सेवेंथ पॉइंट होगा आपके पास कंडक्टिविटी। और नाइन्थ पॉइंट होगा आपके पास ओके, ये इतने सारे सेवंथ पॉइंट अपने फर्स्ट में होंगे। अपना पहला पॉइंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, उसके नेम दे रखे हैं आपको फिजिकल स्टेट। सेकंड नंबर लश्यर, थर्ड नंबर हार्डनेस, फोर्थ नंबर सोनेरिटी, और फिफ्थ नंबर मेलिएबिलिटी, सिक्स नंबर डक्टिलिटी, और सेवंथ नंबर कंडक्टिविटी। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट होगा। इसमें देखिए उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट होगा दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सेकंड पॉइंट होगा, और इसमें भी कुछ नेम्स आएंगे आपके पास, और लास्ट पॉइंट होगा आपके पास थर्ड नंबर दैट इज यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ध्यान से देखिए इस पूरे लेसन में ओनली तीन पॉइंट्स होंगे आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेकंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और थर्ड पॉइंट होगा यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट नंबर अपने फर्स्ट टॉपिक पर बात करें, मैंने पहले भी बता दिया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये सेवन पॉइंट्स आते हैं। फिजिकल स्टेट, हर सब्सटेंस की एक फिजिकल नेचुरल स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस। वाटर है, नॉर्मली वो लिक्विड स्टेट में होता है,
स्टोन है वो सॉलिड स्टेट में होता है और एयर है वो गैसियस स्टेट में होती है। हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को, वो जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में है ना, उसको किसी भी, अगर लिक्विड है तो सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से वापस लिक्विड और फिर गैस बना सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट होता है आपका फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट नंबर लश्यर, लश्यर का मतलब होता है मेटेलिक लश्यर या शाइनिंग। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको आप हार्ड सरफेस पर रब करेंगे तो शाइनिंग अपीयर हो जाएगी इफ इट इज मेटल। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अबाउट द हार्डनेस। यस, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द हार्डनेस। हार्डनेस मतलब हमारा बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो आपका सब्सटेंस है उसको टच करने पर वो उसकी हार्डनेस कम है या ज्यादा वो देखना है। हार्ड और सॉफ्ट तो हम क्लासिफाई कर लेंगे पर हार्डनेस कितनी है। आपने कभी नाम सुना हो तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होते हैं टच करने पर हार्ड और सॉफ्ट होते हैं। ओके, और इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है आपका सोनोरिटी। दिस इज आर आई टी वाई। सोनोरिटी मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड मतलब किसी भी मेटल या नॉन मेटल को बीटिंग करने पर अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है इट मींस इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। आप किसी भी को भी देखिए, आप स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, उनको आप बीटिंग करते हैं किसी भी चीज से तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब सोनोरिटी प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द मेटल्स बट एब्सेंट और लेस इन द नॉन मेटल्स। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा आपका मेलिएबिलिटी। उसमें मेलिएबल मींस बता रहे हैं आपको बीटन इनटू थिन शीट्स। आपके पास एक कॉइन ऑफ द गोल्ड है, आप उसको बीटिंग करते जाइए और वो इतना लंबा फैलता जाएगा और पतला होता जाएगा, टूटेगा नहीं। तो हम बोल रहे हैं किसी भी चीज को, मेटल को बीट करने पर वो थिन शीट्स बनती जाती है और टूटता नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का नेम होता है मेलिएबिलिटी। ये सारी बातें आपकी छोटी क्लासेज में पढ़ रखी है, लेकिन ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं मेलिएबल। डक्टिलिटी मींस, तो इसमें ध्यान रखना मेलिएबिलिटी के मतलब होगा बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स मतलब ये सोने और चांदी की जो शीट्स होती हैं, कवर वगैरह जो आते हैं वर्क, उसकी बात कर रहे हैं हम। उनको बीटिंग कर करके इतना पतला कर दिया जाता है, बीटन इनटू थिन शीट्स ड्यू टू मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड मींस सोनोरिटी और डक्टिलिटी मींस ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स मतलब आप जितने भी मेटल्स होते हैं ना, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, उन सब के वायर बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। और ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको बोलते हैं दे आर डक्टाइल। लास्ट पॉइंट आ रहा है बेटा आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस दे आर एबल टू कंडक्ट द हीट और लाइट एनर्जी और नॉट। कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, अगर वो अपने अंदर से हीट और लाइट एनर्जी को पास कर लेता है तो ये प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी कहलाती है। और वो सब्सटेंस अगर हीट और लाइट एनर्जी को पास कर देता है दे आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करते हैं दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। ओके, इन दिस मैनर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज फिनिश हियर। Now we will start our next topic in the next class. Now we will meet in the next video. Thank you very much.